This is our second lecture in the mentoring series. The very, very, very again, a very, very important question or doubt which comes to your mind while you think of civil services, while even others think of civil services for you. अगर आपके parents, आपकी family सोचती है कि आप तैयारी करो तो उनके mind में भी ये question आता है कि can he or she do it? और आपके mind में भी question आता है कि can I do it? है ना? तो ये क्वेश्चन का हमें समाधान आज करना है, हमें समझना है प्रॉपरली टेक्निकली कि क्या इसका बेसिकली मतलब है और हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ, है ना. क्योंकि सबसे अगेन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, आपका अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, आपके अपने बारे में आपकी जो सेल्फ परसेप्शन है वो क्या है, दैट इन्फ्लुएंसेस द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना. आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 2 साल 3 साल 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम दे आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ्स कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. देखो कोई भी काम हमने करना होता है ज़िंदगी में द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज टू बिलीव इन योरसेल्फ, इज़न्ट इट. अगर हम अपने आप में ही बिलीव नहीं करेंगे अपने आप को कि येस आई कैन बिकम, तो फिर तो उसको टारगेट अचीव करना अपने आप में बड़ा मुश्किल है. तो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच वी वांट टू एक्सप्लोर टुडे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है विच विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ ये चलता रहेगा आगे. खैर ये क्वेश्चन तो आपका पूरा मेंटरिंग प्रोग्राम में चलता रहेगा. आई विल कीप ऑन गिविंग यू कॉन्फिडेंस कि यस आपको तैयारी करनी है एंड आपको अपना सेल्फ बिलीव करना है ना, और अपने आप में बिलीव करना है और प्रॉपरली तैयारी करनी है. सो टू स्टार्ट विथ द सबसे इम्पॉर्टेंट जो फियर्स दिमाग में आते हैं विच एनवायरमेंट फिल्स इन विद यू, आपको ये डाटा मिलता रहता है आपको लाइफ में, आपको ये डाटा जैसे आप तैयारी करते हो डाटा आपके पास आता रहता है, ये फियर्स आपको घेरे रखते हैं, है ना. वेरी रियलिस्टिक आई थिंक एंड सम ऑफ यू माइट हैव कम अक्रॉस दीज थिंग्स. यू शुड बी अ टॉपर, समबडी विल से अरे बहुत पढ़ाकू होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, टॉपर टाइप बंदा होना चाहिए, वही आईएएस बनेगा, है ना. मे बी सम ऑफ योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स दे फीड यू अरे वो तो टॉपर जो होते हैं वही होता है, सिलेक्शन उन्हीं की होती है ना. किसी के सामने क्वेश्चन आया यू कीप ऑन राइटिंग इन केस यू हैव कम अक्रॉस बट यू से दिस सॉर्ट ऑफ डाउट और फियर बिफोर यू, तो कीप ऑन शेयरिंग राइट. एंड समबडी विल से यू आई शुड स्टडी फॉर 14 आवर्स कि 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, 16 घंटे पढ़ना पड़ता है इस तैयारी के लिए, और 2 साल लगातार आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, डर जाते हो आप कि अरे 14 घंटे कौन पढ़ेगा या 14 घंटे कैसे पढ़ेंगे, है ना. तो ये अगेन अ सोर्स ऑफ फियर. और थर्ड फियर है कि स्टडीज़ आर वेरी डिफिकल्ट, कि बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई इसकी, भाई आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है. देन अगेन इट क्रिएट्स अ सेल्फ डाउट कि कैन आई डू इट, है ना. देन समबडी विल से यू शुड हैव वेरी गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, बड़ा लिखना पड़ता है इसके अंदर, बड़ी अच्छी लैंग्वेज चाहिए, बड़ी अच्छी इंग्लिश चाहिए, है ना. तो ये है ना. देन सेकेंडली कोई आपको जो पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज ही विल पुट यू इन टू डाउट कि अरे इसमें तो बहुत मुश्किल है स्कोर करना, नंबर आते ही नहीं है UPSC में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर स्कोर मार्क्स इन UPSC, है ना. एंड देन कंपटीशन इज वेरी हाई कि अरे इतने लाख 10 लाख 15 लाख, कोई बोल देगा आपको 20 लाख लोग अपीयर होते हैं और उसमें से सिर्फ 1000 या 500 सेलेक्ट होते हैं, पता होता नहीं डाटा, जस्ट अ परसेप्शन दैट कंपटीशन इज वेरी हाई. डेफिनेटली कंपटीशन इज हाई, बट कितना हाई है और उससे आपको डरने की जरूरत है या नहीं है, दैट वी हैव टू एनालाइज वेरी रैशनली एंड लॉजिकली राइट. अब देखो और भी आएगा, सी ऑल्सो यू ऑल्सो गेट फियर वेन यू पीपल सी पीपल मूविंग अराउंड यू हैं और उन्होंने 2 बार प्री दिया, 3 बार प्री दिया बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर इट, है ना. देन यू अगेन गेट फियर कि अरे उसका नहीं हुआ, बड़ा इंटेलिजेंट है वो तो, उसका नहीं हुआ. सो समटाइम्स यू गेट कॉट इन टू सम सॉर्ट ऑफ रॉन्ग रोल मॉडल्स एंड देन यू स्टार्ट फियरिंग कि अरे कैन आई डू इट, है ना. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस. ऑल्सो और भी चीज़ें आपके सामने फियर क्रिएट करती होंगी. कैन एनीबडी शेयर एनीथिंग, कोई बताएगा कि इसके अलावा क्या और आपके मन में फियर क्रिएट करता है, एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि कैन आई डू इट, एनी क्वेश्चन विच इज फियर विच इज सोर्स बिकम्स सोर्स ऑफ टेंशन फॉर यू और सोर्स ऑफ सेल्फ डाउट फॉर यू. बिकॉज ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं. सी वंस कैंडिडेट स्टार्ट प्रिपेयरिंग
तो उसको ये सारी चीज़ें पहले टेक केयर करनी है। इनको मैं रखूंगा आगे, मैं लेक्चर लूंगा नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, है ना। हम कहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम है यार, ये कंटेंट पढ़ लो और आप ऐसे पेपर दे आओ तो हो जाएगा आपका। ये इतना आसान नहीं होता, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता। वेन यू आर अपेयरिंग इन एग्जाम इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और स्कूलिंग, दोज आर डिफरेंट थिंग्स, बट कम्पिटिटिव एग्जाम इज डिफरेंट एंड दैट टू सिविल सर्विसेज इज रादर मोर डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं होता कि ये करिकुलम पढ़ लिया और आपका आप पेपर में लिखा और आपका सिलेक्शन हो गया। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच गो टूवर्ड्स क्लियरिंग एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको अपने आप को मैनेज करना है वो हमें देखना है। तो ये जो फियर्स हैं बेसिकली दे कम अक्रॉस यू, वो आपके सामने आते रहते हैं एंड दे कीप ऑन क्रिएटिंग सेल्फ डाउट। देखो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू थिंक इज दैट कि इवन इफ दिस यूपीएससी सिंपली एन एग्जाम है, तो एग्जाम ही ना अल्टीमेटली, तो आना आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर ही है। आई एम जस्ट गिविंग यू वे टू थिंक, यस। आना तो आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर ही है ना, एक क्वेश्चन पेपर ही आपके सामने आना, और उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे जिसका आपको आंसर करना है ना। अगर अब एग्जाम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड इफ यू प्रिपेयर वेल यू स्कोर वेल। अब इसमें कीवर्ड जो है वो प्रिपेयर है, कि प्रिपेयर वेल का मतलब क्या है। अल्टीमेटली थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू, थिंग्स बिकम वेरी अप्रोचेबल फॉर यू इफ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर वेल। Now, is preparing well only preparing content? See, here, what I mean by preparing? Preparing is a holistic concept. कि आपको कैसे पूरी preparation को manage करना है, right? तो ultimately आपको दिमाग में ये line भर लेनी है कि ये एक exam है, और अगर इस exam को मैंने ठीक तरह तैयारी करी तो मेरे number अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस मुझे क्या करना है, मुझे इसका मतलब समझना है कि preparing well का मतलब क्या है। और ये प्रिपेयरिंग वेल हर एग्जाम के लिए उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। अब मैं जो ये मेंटरी स्कीम हमने चलाई है, राइट, ये सेट ऑफ अराउंड 25-30 लेक्चर्स होंगे जो चलते रहेंगे आपके साथ और आगे भी चलते रहेंगे, है ना। इसमें बस मेरा आपको काम आपके साथ एसोसिएट होने का मतलब यही है कि आई विल बी थ्रू आउट विद यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, है ना। माई टास्क इज टू कीप योर ट्रैक एंड सो दैट यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग वेल। कोई भी आपका ऐसा डाउट है जो आपके मन में आता है, है ना, कभी भी आता है, किसी भी स्टेज पे आता है ना। देर आर बिकॉज सो मेनी सी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर, है ना। तो यू हैव अ व्हाट टू से हैंड विद यू, यू हैव अ व्हाट टू से नॉन प्रिपेयरिंग कंसल्टेंसी हैंड विद यू, कि भी ये डाउट आया मेरे मन में तो आई कैन गिव माय इनपुट्स, कि भाई अगर ये डाउट आया तो इसका मतलब ये है और इसको आप ऐसे कर सकते हो, सो दैट यू फील अश्योर्ड कि हाँ आप कोई भी डिसीजन गलत नहीं लोगे और आपकी प्रिपरेशन ठीक जाएगी। यू विल कीप ऑन प्रिपेयरिंग वेल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग वेल। तो जितना आप अपनी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यू आर प्रिपेयरिंग वेल, उतने ही सेल्फ डाउट कम आएंगे, उतना ही ये क्वेश्चन कैन आई डू इट कम आएगा। नहीं तो आई कैन अश्योर यू, आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन लास्ट सो मेनी ईयर्स गिविंग देयर थर्ड अटेम्प्ट, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर 3-4 ईयर्स एंड देन दे आर आस्किंग सर क्या मैं कर सकता हूँ। भाई अगर आपको अपने आप का 3 साल में नहीं पता लगा पाया, हाउ कैन अदर पर्सन विल टेल यू, हाउ कैन अदर पर्सन कैन टेल यू आफ्टर 3 ईयर ऑफ प्रिपरेशन। इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट देन इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो देर इज सम देन प्रॉब्लम विद प्रिपेयरिंग वेल, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रिपरेशन। होना ना होना इज डिफरेंट, आइदर यू हैव बिकम अ सिविल सर्वेंट और यू डोंट बिकम अ सिविल सर्वेंट, दैट इज अ डिफरेंट। बट प्रिपेयरिंग विद कॉन्फिडेंस, प्रिपेयरिंग वेल इज इंपॉर्टेंट, प्रिपेयरिंग वेल इज इंपॉर्टेंट एंड योर चांसेज ऑफ सक्सेस इंक्रीज मैनीफोल्ड इफ यू प्रिपेयर वेल, इफ यू प्रिपेयर विद कॉन्फिडेंस एंड इफ यू प्रिपेयर इन राइट डायरेक्शन। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अब प्रिपरेशन के आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, है ना। इतना तो आपको पता ही है, यू हैव बीन रीडिंग ऑन व्हाट्सएप ऑन फेसबुक, सी कोटेशंस आती रहती हैं एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल ऑल्सो दैट राइट डायरेक्शन, जो राइट डायरेक्शन है आपकी, कैन ओनली रीच यू टू द गोल। अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है तो प्रिपेयरिंग वेल का मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन ठीक हो, प्रिपरेशन की डायरेक्शन ठीक हो। अगर प्रिपरेशन की डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आपका गोल पे पहुंचने का मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है ना। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, जस्ट मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा सो दैट यू थिंग्स कैन फिक्स इन योर माइंड। अभी थोड़े दिन पहले एक मेरे पास स्टूडेंट आया
एंड दैट स्टूडेंट वाज टू अपेयर इन 2023, 2023 में उसने पेपर देना था, है ना। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विच दैट स्टूडेंट आस्क मी कि सर मैं करंट अफेयर कैसे तैयार करूं। नाउ इज दिस द राइट क्वेश्चन, सर मैं करंट अफेयर कैसे तैयार करूं और महीना है अक्टूबर 2020 का और बच्चे ने पेपर देना है 2023 में, इज दिस द राइट क्वेश्चन ही आस्क मी कि सर मैं करंट अफेयर कैसे तैयार करूं। है ना, इज दिस द राइट क्वेश्चन। आप में से कई लोग तैयारी शुरू कर रहे हो और आप कर रहे हो तैयारी, तो आपको अपने आप की असेसमेंट करनी है कि वेदर आर यू गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। और कहीं भी डाउट आता है अपने डायरेक्शन के बारे में, मैंने नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का नंबर, उस पर आपने मुझे टेक्स्ट करना है, उस पर आपने मुझे टेक्स्ट करना है। तो अल्टीमेटली आप देखो, अगर वो बच्चा जिसने 23 में पेपर देना है एंड ही इन 2020 ही आस्क मींस की फ्रॉम वेयर आई शुड प्रिपेयर करंट अफेयर, द होल डायरेक्शन इज रॉन्ग बिकॉज दैट कैंडिडेट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब ही नहीं पता उसको, करंट अफेयर्स का मतलब होता है करंट। तो अगर 23 में आप पेपर दे रहे हो तो हद आप 2022 से करंट अफेयर कर लोगे, 2022 एक जनवरी 2022 से अप टिल एग्जाम तक मैक्सिमम, लेकिन 2022 से पहले के जो करंट अफेयर है आपको थोड़ी करने तैयार अगर आप 23 में पेपर दे रहे हो। तो अल्टीमेटली अगर आपने यही डायरेक्शन ही गलत चूज कर ली तो फिर आपका गोल पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। इन द सेम वे देखिए, छोटी सी बात है, इतना ज्यादा मैडनेस फैली हुई है हर जगह, प्रिपरेशन स्टार्ट की है अभी एंड ऑन द नेक्स्ट डे यू आर ट्राइंग प्रैक्टिस आंसर। क्या कर रहे हो सर, आंसर मैं रोज ना एक आंसर मैं रोज लिखता हूं। तैयारी कब शुरू करी है, कल से ही, और अगले दिन से आंसर लिखने लग गए यूपीएससी का। दिस रॉन्ग डायरेक्शन, कुछ पढ़ा नहीं है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बनी नहीं है एंड वी स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। ये सब चीजें आपके सामने आएंगी, जो मैं बातें बोल रहा हूं, यू विल कम अक्रॉस दीज थिंग्स एंड दीज क्वेश्चंस विल कम बिफोर यू कि फ्रॉम व्हेन शुड आई स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। मैं सारे आगे डील करूंगा एज द लेक्चर्स प्रोग्रेस, ये मेंटरिंग प्रोग्राम चलेगा आगे, हर चीज एक एक आएगी आपकी कि करंट अफेयर आपको कब से करना है, आंसर राइटिंग कब से करनी है, क्या करनी है, मतलब एक हम लॉजिकली आपको सजेशन देंगे, करना ना करना आपके हाथ में, बट आई विल गिव यू अ फैक्ट एंड आई विल जस्टिफाई इट, आई विल सपोर्ट इट विद लॉजिक, नॉट सर्मन्स, नॉट जस्ट प्रीचिंग, नो आई हैव नेवर डन दिस, आई विल गिव यू लॉजिक अलॉन्ग विद दैट कि अगर मैं कह रहा हूं कि आपको आंसर राइटिंग ऐसे करनी चाहिए, इस वक्त करनी चाहिए, उसका क्या कारण है, आपको वो कारण ठीक लगता है आप ऐसे करो, नहीं ठीक लगता मत करो, बट लेकिन डिसीजन इज योर्स कि आप क्या करते हो एंड दैट अप्रोच विल डेफिनेटली डिसाइड योर सक्सेस और फेलियर। अब आप देखो, सबसे पहला जो राइट डायरेक्शन का पार्ट है दैट इज मोटिवेशन, वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा लास्ट लेक्चर, वो पिछला लेक्चर इसी प्रोग्राम का पार्ट है, आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी पढ़ा है राइट और उधर भी पढ़ा है, ठीक है। अब ये सारे लेक्चर यूट्यूब पे भी जा रहे हैं, अगर ये बच्चे जो बच्चा बेसिकली मतलब आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारा चैनल, बेल आइकन बटन हिट कर सकते हैं सो दैट आपके पास जैसे ही लेक्चर वहां पे अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन आएगी एंड आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करोगे ये मेंटरिंग वाला, ठीक है ना। तो आपको हम फर्स्ट थिंग इज मोटिवेशन कि क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर मोटिवेशन आपके दिमाग में फिट बैठ गई ना तो ये हाफ ऑफ द वर्क डन, हाफ ऑफ द जॉब डन होती है। ठीक मोटिवेशन आपने दिमाग में फिट कर ली कि हाँ मैंने बनना है और इस वजह से बनना है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है, ऐसे करना है, नोबडी कैन देन डिस्टेबलाइज यू। तो राइट डायरेक्शन का पहला पार्ट है मोटिवेशन, ठीक होनी चाहिए आपकी कि व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। नाउ सेकंड पार्ट है राइट डायरेक्शन का कॉन्टेंट, व्हाट कि क्या पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, कॉन्टेंट क्या है, जनरल स्टडीज है आपका, ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, करंट अफेयर्स है, उसमें क्या पढ़ना है आपको, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग कि क्या पढ़ना है, क्योंकि दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। इन ड्यू कोर्स ऑफ लेक्चर्स आई विल क्वांटिफाई प्रॉपरली कि जनरल स्टडीज है तो उसका ये चीजें सब्जेक्ट हैं इसके अंदर और ये आपके बेसिक टेक्स्ट या असेंशियल टेक्स्ट हैं जो आपने पढ़ने हैं, ऐसे अपडेट करने हैं, ये ऐसे आगे करने हैं, वेरी स्मूथ।
बट इट कैन नॉट बी लाइक दिस। आप यहां गलती क्या करते हैं बच्चे जो विच गिव्स यू लैक ऑफ कॉन्फिडेंसेस। आपने मेरे से पूछ लिया सपोज, या किसी और से पूछ लिया कि भाई ये पढ़ना है, सपोज इकोनॉमी के लिए मैंने ये पढ़ना है, 1 2 3 पढ़ लिया। अब ठीक है, मेरे से पूछ लिया, आपने पूछ लिया कि हाँ ये पढ़ना है, उसके बाद सम पर्सन मीट्स यू, कम टू मीट सम पर्सन, उसने आपको बोल दिया कि ये किताब भी पढ़ लो, ये आर्टिकल भी पढ़ लो, चौथा पांचवा, आपने वो भी उठा लिया, ये पूरे पढ़े नहीं थे अभी, ये भी उठा लिए, फिर और कोई मिल गया ये उठा लिया, ये उठा, कोई वेबसाइट मिल गई, फ्री लेक्चर मिल गए, वो उठा लिए। अब ये अगर आप कंटेंट ऐसे वेरी करते जाओगे अपना, तो कुछ भी प्रॉपरली तैयार नहीं हो पाएगा। 10 में से 6 या 7 बच्चे ऐसी गलती करते ही करते हैं, दे कीप ऑन अकोमुलेटिंग द कॉन्टेंट विदाउट असिमुलेटिंग इट, विदाउट इवन नोइंग कि मेरे को खुद क्या चाहिए। इस मेंटरिंग प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपको कुछ लेक्चर देना नहीं है, इस मेंटरिंग प्रोग्राम का मेरा मकसद हमेशा ये रहता है आपको खुद को एम्पावर करना, सो दैट यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग राइट डिसीजन लॉजिकली। इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम टेलिंग यू समथिंग, इट्स अबाउट एम्पावरिंग यू कि आप ठीक तैयारी करें, और आप फिर किसी को गाइड करेंगे तो ठीक करेंगे, लॉजिकली करेंगे, रैशनली करेंगे। ऐसा नहीं है मन में आया कुछ भी बोल दिया और बच्चे की सारी तैयारी बेकार हो गई, बच्चे की सारी तैयारी बेकार हो गई। सो मेरा जॉब है आपको एम्पावर करना, आपको एक एक चीज समझाना कि हाँ इसके पैरामीटर क्या हैं, इसके लॉजिकल क्या है, सो दैट कि आप कभी भी मार नहीं खाओगे पेपर में। सो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या पढ़ना है आपको, एंड थर्ड इज हाउ पार्ट, इस कंटेंट को कैसे पढ़ना है, हाउ आई हैव टू रीड इट, हाउ डू आई हैव टू मेक व्हाट यू से नोट्स, मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं, कब बनाने हैं, कैसे नोट्स को ग्रो करना है, कैसे अपडेट करना है, अप्रोच कैसे, उसकी टेस्टिंग करनी है मुझे। अब ये कंटेंट तो पढ़ लिया, कब मेरे को मेंस आंसर राइटिंग करनी है, कब मुझे प्री के टेस्ट देने चाहिए, मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है, मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स को अपडेट कैसे करना है। अब ये सब क्या पार्ट है, दिस इज योर हाउ पार्ट, कि ये कंटेंट को मुझे पढ़ना कैसे है। क्या हमने सोचा कभी ऐसा कि कैसे है, हाउ है ना, आपकी अप्रोच क्या है उस कंटेंट के बारे में कि मुझे कैसे पढ़नी है। ये आपके हाथ में एक किताब आती है, सब डीडी बासु आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ते हो, है ना, आप डीडी बासु की बुक पढ़ रहे हो, तो क्या अप्रोच है आपकी, उसको पढ़ते जाओगे वैसे ही बस। एंड अगेन सो मेनी स्टूडेंट जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं वो इन बातों में सोचते ही नहीं, वो बस उठाते हैं पढ़ने लग जाते हैं विदाउट लेइंग डाउन अ स्ट्रेटेजी। जितनी हम आई ऑफन से वन थिंग है ना, जितनी मेटिकुलस प्लानिंग हम एक मूवी देखने के लिए करते थे या करते हैं, अगर आपने किसी मॉल में पिक्चर देखने जाना है, उतनी प्लानिंग तो हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए नहीं करते, बस उठाते हैं किताब और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर मूवी देखनी है तो उसको मूवी के रिव्यू देखेंगे कि हाँ ये अच्छी है या खराब है, फिर कैसे जाना है वहाँ पे, क्या बीच में खाना है, कितने पैसे जेब में चाहिए, कौन साथ में जाएगा, कैसे जाना है, स्कूटर पर जाना है, गाड़ी में जाना है, बस में जाना है, कैसे जाना है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और कितना लाइट और लाइट हेड से आप पिक्चर देख के आते हो, लेकिन क्या हम सिविल सर्विस के लिए भी उतनी मेटिकुलस प्रिपरेशन कर रहे हैं कि क्यों जाना है, मुझे क्या पढ़ना है, क्या पहले ले डाउन करना है मुझे कि हाँ मुझे करना क्या है। या अब हमें किसी ने बता दिया कि ये 4 किताबें पढ़ लो, हमने किताब उठाई पढ़ना शुरू कर दिया। आई प्रॉमिस यू मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है गलती से हमारे से कि हम किताब उठाते हैं पढ़ना शुरू करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी हम ले डाउन करते हैं ही नहीं। सो अप्रोच हैज टू बी ले डाउन, अगेन आई विल ले डाउन द अप्रोच, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं इसके कि हाँ ये आपको, एंड यू विल मेक योर अप्रोच अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ मिलकर आप अपनी अप्रोच बनाओगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी से, अपने ही तरीके से, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूंगा आप वही करोगे, आप करोगे वही लेकिन अपने तरीके से, अपने लिए कस्टमाइज करके। देखो किसी एग्जाम को प्रिपेयर अगर करना है आपको, तरीके तो वही है स्टैंडर्ड, लेकिन हर इंसान अपने आप में यूनिक है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर यूनिकनेस, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लान अकॉर्डिंग टू योर यूनिकनेस, दैट इज सक्सेसफुल प्लान, है ना। इफ यू लेट अदर्स प्लान फॉर यू, दे कैन नॉट प्लान फॉर योर सक्सेस, ओनली यू कैन प्लान फॉर योर सक्सेस बिकॉज यू नो योर सेल्फ। मैं आपको कह दूं कि 15 घंटे पढ़ ले भाई, आप पढ़ नहीं पाओगे, क्या फायदा उसका, आपकी कैपेबिलिटी इतना पढ़ने की है, कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है। अब आई हैव कम अक्रॉस सो डिफरेंस, आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट जो सिर्फ 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते थे और IAS बने, एंड आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स जो 15 घंटे पढ़ते थे तब भी उनका प्री तक नहीं हुआ।
अब क्या कर लोगे आप? सो इट्स नॉट अबाउट आवर्स, इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट यू कि वो मैं 5 घंटे में कितना काम कर, मेरी अप्रोच ठीक है तो 5 घंटे ही बहुत है ना, मेरी अप्रोच ठीक नहीं है तो 15 भी कम है। तो वही हमें सीखना है कि क्या इसकी अप्रोच है, क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर मैनेजमेंट, द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप अपनी प्रिपरेशन को या अपने आप को कैसे मैनेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ मैनेजमेंट, ये इस पर लेक्चर होगा अलग से एक, कि अपने फ्रेंड्स को कैसे मैनेज करना है। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? आर दोज फ्रेंड्स मोटिवेटिंग? कहीं वो आपको डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे फ्रेंड्स इनडायरेक्टली? क्या आपकी तैयारी में जब आप अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हो आप? ये तो नहीं है कि आप 10 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, 12 घंटे सो रहे हो, फिर सोच रहे हो कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। छोटी छोटी फूड बातें हैं ना ये। आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ? आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर मोटिवेशन? आप पढ़ाई तो कर रहे हो, कि आपने दिमाग को खुराक दे रहे हो कि आप वो मोटिवेटेड रहे? तो सेल्फ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन प्रिपरेशन मैनेजमेंट, कि अपनी प्रिपरेशन को आप कैसे मैनेज कर रहे हो? क्या टाइम मैनेजमेंट प्लान बनाया आपने एक, कि मेरे को कितने टाइम में, कितने वक्त में क्या चीजें खत्म करनी है? इफ आई हैव टू अपेयर इन 2021 तो मुझे मेरा प्लान क्या है होना चाहिए? कब तक मुझे जीएस करनी है, कब तक मुझे कौन से सेक्शंस कवर करने चाहिए, कब मुझे ऑप्शनल करना है, कब मुझे क्या करना है? क्या एक रियलिस्टिक ऑथेंटिक प्लान हमने बनाया है? दैट वी हैव टू क्वेश्चन, है ना। फिर अपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, पूरा जो 24 घंटा आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपके टाइम की हो रही है? फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कब कितना टाइम करंट अफेयर पे लगा रहे हो, कितना पेपर न्यूज पेपर पे लगा रहे हो, कितना टाइम आप जीएस पे लगा रहे हो? सी देर हैज टू बी सम बेसिक आउटलाइन। आई एम नॉट सेइंग दैट हमने बहुत कंक्रीटाइज करना है, लेकिन एक परसेप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो विदाउट दैट अगेन इट एवरीथिंग यू विल अगेन एंड अगेन इनडायरेक्टली कम टू डाउट योर सेल्फ, कैन आई डू इट? क्योंकि आपको कुछ क्लियरिटी नहीं है, आपके आपको लगेगा नहीं कि मैं 2 महीने तैयारी कर रहा हूं तो मैं ये 4 स्टेप्स आगे बढ़ा, ये फीलिंग आनी चाहिए। अगर ये फीलिंग नहीं आएगी तो डाउट आते रहेंगे, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर ना ये फीलिंग नहीं आती। अब 3-4 बच्चे हैं जो मेरे को जैसे मिलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, एंड दे आर रियली डेवलपिंग कॉन्फिडेंस कि यार हाँ मैं इतना कर लिया सर, और ये पेपर फ्री में आया था, मेरे क्वेश्चन ये वाले हो रहे थे। तो बस यही चाहिए, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अपनी सेलिब्रेट करना है ना, छोटी छोटी अचीवमेंट से कॉन्फिडेंस ड्रॉ करना है कि यस। पर आज ही तैयारी शुरू करी, आज ही नहीं एक्सपेक्ट कर देना कि हमने 2020 का पेपर सॉल्व कर देना है। आज ही तैयारी शुरू करी और सोच रहे हैं कि 2000 जो मेंस का पेपर आएगा मैंने तो कर देना है। नो, बी रियलिस्टिक। ऐसी कोई एस्पिरेशन अपने मन में डालनी नहीं है, और प्रिपरेशन को प्रॉपरली मैनेज करना है। तो ये भी प्रिपरेशन मैनेजमेंट पे भी आपका लेक्चर होगा एक। तो इस सारे एस्पेक्ट्स पे हम लेक्चर करेंगे और स्टैंडर्ड जो है एक ड्रॉ करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। अब ये सारी चीजें मुश्किल क्यों बन जाती है? अब आपने आप यू माइट बी थिंकिंग दैट सर जो बात कर रहे हैं ठीक है, लॉजिकल है, कंटेंट क्लेरिफाई होना चाहिए, है ना। चलो करवा लिया कंटेंट क्लेरिफाई, एक बार ले डाउन कर लिया मैंने, है ना। फिर अच्छा अप्रोच क्या होनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाने हैं, सर सीख लिया एक बार, ठीक है। तो फिर क्यों मुश्किल है, फिर क्यों मुश्किल है? अगर सब कुछ मुझे पता लग जाए तो क्या मुश्किल है भाई? मुश्किल ये एग्जाम है नहीं, बन जाता है। आई ऑलवेज से कि इफ अ कैंडिडेट इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, उसके आगे उसके आसपास इतने सारे गाइड्स पैदा हो जाते हैं जो आपको, या आप उनसे सजेशन ले रहे हो या फ्री में आपको वो सजेशन देंगे, जबरदस्ती देंगे। दिस गाइड आई कॉल इट स्यूडो गाइड्स, पता होता नहीं है उनको कुछ भी टेक्निकली, बट आप उनसे भी कई बार पूछ लेते हो और कई बार वो आपको फ्री फंड की सलाह देते हैं। दिस कैन बी योर रिलेटिव्स, दिस कैन बी योर फ्रेंड्स, दिस कैन बी योर टीचर्स ऑल्सो जो हु आर नॉट इक्विप्ड। ऐसे आजकल टीचर्स, हर को टीचर बना हुआ है यूपीएससी में, 2 बार प्री दिया, 1 बार मेंस लिया, टीचर पढ़ाने लग गए, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट बी गाइड, डोंट ट्राई टू बी गाइड। बच्चे को गाइड नहीं कर सकते आपकी, ऐसी तैयारी करो वैसी तैयारी करो, खुद आपका कुछ नहीं बना, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यू हैव नॉट सीन नॉट मोर देन 5 स्टूडेंट्स इन योर लाइफ, तो हाउ कैन यू गाइड? बिकॉज यू हैव टू बी गाइडेड अकॉर्डिंग टू यू। अ गुड गाइड इज अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड योर कंपल्शंस एंड सजेस्ट अकॉर्डिंगली।
है ना, ये प्रोफेशन डिफिकल्ट इसलिए बन जाती है बिकॉज यू आर एक्सपोज टू सो मेनी सजेशंस एंड यू एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड कि मुझे करना क्या है ये नहीं मुझे पता लग रहा, मैं कुछ करना चाहता हूं, अगेन कोई डाउट क्रिएट कर देता है एंड देन आई एम अगेन डिस्टेबलाइज्ड। ऐसा कंफ्यूजन आप फेस करते हो बताओ, यस और नो, हैव यू फेस दिस कंफ्यूजन, डू यू फेस एनी प्रॉब्लम ऑफ बिलीफ? Do you face such confusion? Then, कितना सारा स्टडी मटेरियल आपके अराउंड है, ऑनलाइन फॉर्म में, ऑफलाइन फॉर्म में, है ना, कितना सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है, अब कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, एवरी डे न्यू बुक कम्स एंड इट क्रिएट्स अ डाउट इन योर माइंड। फिर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, एक किताब पकड़ के बैठा होगा, ये किताब मैंने पढ़ी थी, आप कहोगे ये तो मैंने पढ़ी नहीं भाई, मैं तो ये वाली किताब पढ़ रहा हूँ, अगेन अ डाउट, क्या करो? तो हर स्टेप पे ना डाउट्स क्रिएट होते हैं बिकॉज यू आर एक्सपोज टू सो मच इन्फॉर्मेशन कि यू एंड अप गेटिंग कन्फ्यूज कि मैं पढ़ूं क्या। सो डिसीजन लेने बड़े मुश्किल हो जाते हैं एंड देन देर आर टू मच एक्सपोजर फ्रॉम फेलियर फॉर टू फेलियर्स, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन तो कुछ ही की हो रही है ना, आपके आसपास इतने लोग हैं जो अनसक्सेसफुल हैं एंड दैट देयर अनसक्सेस क्रिएट्स अ डाउट इन योर माइंड, अ फियर इन योर माइंड, कह रहे इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। तो ये चीज़ें जो है एग्जाम को डिफिकल्ट बना देती हैं, अदरवाइज तो चीज़ें फिक्स हैं, एग्जाम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन, इफ यू प्रिपेयर वेल यू स्कोर वेल, होने वाले भी तो होते हैं। देखो हमने अपनी जिंदगी में देखा है, इवन ग्रेजुएशन में जिसके 40% नंबर थे ना, उसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS बनते देखा है, और एक नहीं कई केसेज हैं ये कि बिलो एवरेज स्टूडेंट है 40-60% एंड दे आर बिकमिंग IAS इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड आई हैव सीन ड्यूरिंग माई लाइफ ऐसे स्टूडेंट्स हु आर गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर्स एंड दे कुड नॉट इवन क्लियर द प्री। ये एग्जाम किसी को नहीं मानता, ये एग्जाम आपकी सक्सेस या प्रीवियस सक्सेस एंड फेलियर्स को से कोई मतलब नहीं रखता। वट यू डिसाइड नाउ फॉर योर सेल्फ दैट इज इंपॉर्टेंट, आज आप अपने लिए क्या डिसाइड करते हो कि आपने बनना है या नहीं बनना, बस ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने। अगर हाँ में मिले कि मैंने बनना है तो सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है, बस दैट्स इट। कोई भी डाउट आएगा आपकी प्रिपरेशन में, आपको कोई भी डायलेमा आएगा, उसके लिए हम हैं, दिस मेंटरिंग प्रोग्राम इज देयर विद यू। डाउट नहीं आने देंगे, तैयारी आपने करनी है, डाउट नहीं आने देंगे कि हाँ अगर आपको डाउट आएगा ये किताब पढ़नी या नहीं पढ़नी, वी विल टेल यू लॉजिकली कि बेटा ये किताब इतनी पढ़ लो, अगर पढ़ना है एक चैप्टर पढ़ लो बस, बाकी मत पढ़ो, हम देखेंगे वो, हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई भी गलत डिसीजन आपकी तैयारी में होना नहीं चाहिए। बाकी बनना ना बनना भगवान के हाथ, आपके हाथ मेहनत है आपकी, अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन डजेंट मैटर, जितनी देर तैयारी करनी है वो तो कॉन्फिडेंटली करनी है, दैट इज अ रियलिस्टिक अप्रोच, और इस अप्रोच से मैक्सिमम बच्चे बनते हैं, है ना। सो दीज थिंग्स बेसिकली क्रिएट प्रॉब्लम एंड दे रिक्वायर ट्रीटमेंट। सो माई टास्क इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज टू एम्पावर यू सो दैट आप किसी स्यूडो गाइड के हाथ में ना चढ़ो, आपको पता हो टेक्निकली कि अगर कोई मुझे सुजेशन दे रहा है तो मुझे कैसे लेनी है, वो बहुत आएंगे देने वाले सुजेशन, और जो सुजेशन आपको दे रहा है ना उसके मन की बात आपको नहीं मालूम, ये इतना खतरनाक एग्जाम है। दो तरह के मन वाले लोग होते हैं इसके अंदर, वन पर्सन इज गिविंग सुजेशन इन इज एंथुजियाज्म कि आप बनो 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 बनो, और दूसरा व्यक्ति आपको सुजेशन दे रहा है, मन में सोच रहा है कहीं बन ना जाए, ये वो गलत सुजेशन देने के लिए बैठा है आपको, वो कहीं बन ना जाए वाला है कि वो अंदर से चाहता नहीं आप बनो, अंदर से नहीं चाहता वो बनो, अब आप कैपेबल हो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बस ये सारी तैयारी की कहानी है, बस इतनी सी बात है। दिस इज द एम्पावरमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, ठीक है। चलिए तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर थे जो धीरे धीरे आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करोगे एंड यू विल देन
डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस की यस आई कैन बिकम, ये एग्जाम है तैयारी करनी है, क्यों नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए विद दिस आई विल एंड दिस लेक्चर एंड टुमारो अगेन विल मीट विद अ फ्रेश एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन सो दैट। और ये आप नोट करते जाएं अपने आप में, एक रजिस्टर लगा लीजिए मेंटरिंग का, एक रजिस्टर लगा के आप मेंटरिंग उसके ऊपर लिख के सारे मेरे लेक्चर प्रॉपरली लिख के साफ सुथरे रखने हैं ताकि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ये सारे काम आने हैं आपके एंड यू विल नॉट बी एबल टू बी बिफूल्ड बाय एनीबडी। कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड आपको बिफूल नहीं कर पाएगा।